क्या इन्फिनिटी सागा के बाद अब इन्फिनिटी जेम्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी एमसीयू में? तो जैसे जैसे एमसीयू अपने फेजेस में आगे बढ़ता जा रहा है, इन्फिनिटी जेम्स जो 11 सालों तक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे उनकी वैल्यू कम होती जा रही है। ऐसे में क्या इन फ्यूचर एमसीयू में इन्फिनिटी जेम्स की कोई औकात नहीं बचेगी? ऐसा नहीं है गाइज, हम जानते हैं कि एमसीयू अब फाइनली मल्टीवर्स बन चुका है। तो इस मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स में अब अनगिनत इन्फिनिटी जेम्स होंगे और कुछ यूनिवर्सेस के इन्फिनिटी जेम्स इनसेनली पावरफुल हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इफ में विजन जिस यूनिवर्स से था उस यूनिवर्स के इन्फिनिटी जेम्स 616 से बहुत ज्यादा पावरफुल थे। वो सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे और हर एक यूनिवर्स में काम करते थे, इवन वो मल्टीवर्सल प्लेन के बाहर भी वर्क कर रहे थे। तो अगर फेज 6 या उसके बियॉन्ड एमसीयू गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स और किसी तरह इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को लाइव एक्शन में ले आती है, देन दोबारा इन्फिनिटी जेम्स का जलवा देखा जा सकेगा।